देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतु बस्त्र और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर कालाढूंगी से, थाना परिसर में रमजान, नवरात्र व अम्बेडकर जयंती को लेकर शांति समिति की बैठक। कालाढूंगी में रविवार को थाना परिसर में रमजान, नवरात्र व अम्बेडकर जयंती को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। शांति समिति की बैठक में नगर के धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभी प्रमुख पार्टी के प्रतिनिधि तथा सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने की। बैठक में मुख्य रूप से रमजान व नवरात्र के दौरान बाजार में खरीदारी से लेकर इफ्तार पार्टी को लेकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रोजा के बाद शाम के समय किसी भी प्रकार की इफ्तार पार्टी सामूहिक रूप से आयोजित नहीं की जाएगी। इफ्तार पार्टी सभी लोग अपने अपने घर पर ही करेंगे, तो बाजार में खरीदारी के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे। नगर के वार्डों में मुकद्दस रमजान के महीने में बिजली पानी की समस्या अवगत कराया गया। थाना अध्यक्ष महंत ने बताया कि रमजान के दौरान भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार के रूप से नमाज अदा नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बचाव के एकमात्र उपाय के रूप में सोशल डिस्टेंस ही एक उपाय है। आप देख रहे हैं कालाढूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। जो है त्योहारों का सीजन आ रहा है, नवरात्र आ रहे हैं, रमजान आ रहे हैं, सभी का कोई त्यौहार मनाने के लिए अपील की गई है। इसके अलावा सभी को बताया गया है कि कोविड लगातार बढ़ रहा है, उसके जो भी कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन करें, और सब लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया है पहले से, और लोगों का ये कहना कि आगे भी सहयोग करेंगे, अपने मोहल्ले में अपने वार्ड में जाकर के सभी लोग अवेयर करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।